इन्हें क्या नहीं जी जैनब कई जानवर लुटिया गई एक जैनब का वाक्य आया कई जानवर लुटिया गई जैन में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मां असर तो लैके शाह तक मैं दास्तान सुना रही कहती तू अगर 10 दिन भी रवे तो मेरी दास्तान नहीं मुकनी कहने लगी पहले ही तो तू बंदा आया जिन्हें मेरी गल सुनी मेरे ना तो फोटो खिंचाना मिल लो उसके घर का सारा समान विक गया एक मकान उन्होंने रह गया कहने लगी मेरे को तो डालर लैके आफिया सिद्दीकी ना गल करा डालर भी पाकिस्तानी लैने ते वेची भी इन्हें जनाब बलग्रां इतो कराची एयरपोर्ट तो नपाई उन्हें दी उसका पुत्र भी मैंने मिले उसकी उम्र 20 साल है 16 साल कुड़ी हो गए कैद उस वे 5 साल उसकी उम्र से आज हमें इंसानियत के लोग दर्श देते हैं मैं उस मुंडे को पूछा मैं कहा तू 3 साल जो तो बलग्राम बेस होते रहा कैद अपनी मां नाल ते तू अपनी मां दे नाल रहा है कमरे च वो कह लगा जी मैंने तो इतो एयरपोर्ट तू बना लैदा कर दिता मैं कहा फिर अमरीकी जो सानू इंसानियत के दर्श देने तेरे नाल की रवैया सी उन्हों का वो बच्चा मैंने कहन लगा उसकी उम्र 20 साल है वो कहन लगा मैं कमरे जिस अकेला कैद सी मेरी बहन दूसरे कमरे च कैद सी उसकी उम्र मेरे हाल 3 साल होनी तो यदि उम्र 5 साल होनी तो जोड़ा दुध पीना वह बच्चा से उन्हें खस के उस वे जमीन पर मार दिता से हमें अमर के दर्श जो देते हैं उनकी मैं बात कर रहा वो कहन लगा अमरीकी फौजी जो मेरे आते सन ना कमरे तो मैं फुटबाल बनाते सन कोई ठोडा मार के उस कोने छुट देता उधर ठोडा मार के इस कोने छुट देता ए इंसानियत जेडे सानू दर्श इंसानियत देने ए इंसानियत जेडी मैं इस्लाम दियां गल्लां करना आतमताई दी धी नंगे सिर हुजूर दे सामने आई कैद होके एक साड़ी कुड़ी कैद होके गई आफिया सिद्दीकी एक आतमताई दी धी हुजूर दे सामने आई इकबाल कहंदा दुख तरकरा चू नबी बे पर्दा दीद चादरे खुद पेशे रूए ऊ कशीद आतमताई दी धी जदों नंगे सर आई ते हुजूर ने या अल मुज़म्मिल वाली चादर ला के उहदे सिर उत्ते दे दित्ती मैं इस इस्लाम दी गल्ला हुजूर ने फरमाया क्या चाहती हो कहा जी मुझे रिहाई दे दे हुजूर ने फरमाया रिहाई हो गई फरमाया और क्या चाहती हो कहा एक सवारी दे दे सवारी का खर्चा दे दे मैं मुल्क शाम जाना चाहती हूँ हुजूर ने फरमाया इसको सवारी भी दे दो इसको खर्चा भी दे दो जब हातमताई की बेटी मुल्क शाम पहुंची ना आदि बिन हातिम भाई के पास उन्हें कैसी मैं हुजूर का कलमा नहीं पढ़ना जब ये पहुंचिया ना तो उन्हें क्या दसो मुसलमाना ने तुहाड़े नाल के कीता आदि बिन हातिम की बहन कहने लगी इंज नहीं मजा नहीं आना तू जा ते सही एक बारी वेखते सही हुजूर दा चेहरा अनवर के हो जा हुजूर दियां ज़ुल्फां की हो जियां हुजूर मुस्करांदे के हो जाए हुजूर गल्लां के हो जा कर देन हुजूर दे हाथ के हो जाए हुजूर चल ऐंज नहीं तेनू समझ आनी उत्थे एक बारी जा सही तू फिर मैं भी आ रही हूं कलमा पढ़न तू चल मैं तेनू लैण आई हां तेरी हर अदा पे है जां फिदा मुझे हर अदा ने मजा दिया कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम नारे रिसालत मैं बच्चों गल मुकानी भी है मैं ते इना शुक्र है दरवाजा खुल गया इने मैं नहीं तो फिर मैं नहीं सी आना इन्हां दी मोहब्बत है जिहड़ी मैं आ गया दो चार गल्लां सुन हुजूर दा दीन लियाओ मर ते इंज भी जाना है जांदे जांदे ऐलान हो जाना है तुहानू अल्लाह सलामत रखे मैं अपनी गल कर रहा मौली खादिम मर गया तुसा कहणा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि क्यों जी जो कब्रे को हन उखड़ी तो देखा हां जी ना उज़्वे बदन था ना तारे कफन था शायर कहता पुरानी कबर मैं उखड़ी वेखी ते ना विच कबर दा कोई कफन दा कोई निशान आया ते ना कोई बदन दा निशान और मैं अपनी अख नाल हज़रत शाह अब्दुल माली लाहौर होटल दे करीब है ना मैं उते औकाफ दी तरफों इमाम सी ते उहदा कबर खोदण लगे दरबार दे हाथ इक बार ते उह कबर नाल वाली खुल गई ते उह कहण लगे जी बिल्कुल साफ कबर है मैं कहा नहीं यार कोई तलाश ते करो ना नाल कोई कफन कोई कोई जनाब हड्डी कोई वाल कोई शायद होण उहने कहा जी कुछ भी नहीं मैं कहा यार नहीं कुछ तो होना है मैं फिर असर दी नमाज पढ़ के गया ते मैं कबर विच खुद उतरिया ते मैं उतर के ते सारे हाथ मारा मैंने वाल भी कोई ना लभा जो कब्रे को हन उखड़ी तो देखा ना उसवे बदन था ना तारे कफन था आखिर ते इंसान ऐथे वे आकड़दा केड़ी गल तो सैयदना सिद्दीक अकबर फरमांदे ने इंसान आकड़दा केड़ी गल तो गंदे कतरे चो जमया आखिर मिट्टी च रुलवे से हां इन्हें की करना हुजूर अल्लाह दे ओ बंदे ओ अज हुजूर दी शान ने तुसी गल्ला करो हां जी अज तुसी रसूलुल्लाह दी इज्जत वास्ते गल्ला करो हुजूर दी इज्जत वास्ते होवे कांस्टेबल मुमताज कादरी जे हुजूर दी इज्जत उते पैरा दे जाए ते 60 लाख बंदा उते जनाजे च कौन ले आया कांस्टेबल ते लखा मरे ते अंदा भी मर जाने हाफिज अदील होना खत्म नबुवत दा फैजाबाद पैरा दिता उदा वालिद मेरे सामने बैठे तकरीर कर रहा मैं तो हसी जावे अजे 40वां नहीं सी होया और मैं आखा तैनू क्यों आया ओए कहण लगा की होया जी मेरे ना तो कदी सलाम किसे नहीं सी लिया जदों दा पुत्र मैं हुजूर दी खत्म नबुवत दे दिता पूरी दुनिया तो लोग आके मेरे हाथ चूमदे
मैं आखा इकबाल एक ही बनया। कहने लगा तेन पता नहीं की मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे।